आज की सीरीज में हम कैलीग्राफी स्टार्ट करेंगे विद ग्राफ। कैलीग्राफी या ड्राइंग या आर्ट में आर्ट का कोई भी टेक्निक है वो होता तो इजी है, लेकिन उसके लिए चीज़ें होती हैं टेक्निकल। इसलिए आज हम टेक्निकल कैलीग्राफी करेंगे ऑन ग्राफ। एक सिंपल ग्राफ पेपर लेना है, उसके बाद कैलीग्राफी स्टार्ट करनी है ख़त कूफी। ग्राफ पेपर के जितने भी बॉक्सेस हैं उनके अंदर कैलीग्राफी हम इजीली कंपोज कर सकते हैं और कुछ भी तहरीर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इन छोटे छोटे बॉक्सेस से बाहर नहीं निकलना, जैसे ये एक बॉक्स है, ये इस बॉक्स से हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे अपने कैलीग्राफी की। अगर थिकनेस हम इसकी थिकनेस हमने ये रखनी है अपने काम की और इसको एक्सटेंड करना है फिर आगे फर्दर। फिर एक लाइन जो सेंट्रल लाइन होगी हमारे साथ मेन, जिसके ऊपर हम कैलीग्राफी कंटिन्यू करेंगे ताकि कैलीग्राफी सीधी हो। ये मॉडर्न कैलीग्राफी स्टाइल हम कह सकते हैं इसको ख़त कूफी। ख़त कूफी में फिर ये सिंपल इसलिए है क्योंकि इसकी ड्राइंग बॉक्सेस में होती है और बिल्कुल इजी हो किसी ड्रा इसको ड्रा करना है। ग्राफ से बाहर नहीं निकलना क्योंकि यहाँ पे भी हम ग्राफ के अंदर ही काम कर रहे हैं। इसमें फिर होगा ये, जैसे इसके सेंटर में जितनी स्पेस बन रही है वो भी एक बॉक्स जितनी है। फिर जहाँ पे वर्ड ज़्यादा आ रहा है उसकी स्पेस ज़्यादा बन रही है। फिर जिन स्टूडेंट्स ने या जिन दोस्तों ने प्रैक्टिस करनी है कैलीग्राफी की, वो अपने चॉइस के मुताबिक वर्ड्स की सिलेक्शन करें कि उन्होंने लिखना क्या है। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एक दुआ है और इब्तिदा भी है। यहाँ से फिर इसको सीधा हमें कंटिन्यू करना है आगे। क्योंकि कैलीग्राफी अगर कलम के साथ दूसरे स्टाइल हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है कलम के साथ। कलम के साथ अगर हम स्टाइलाइज कैलीग्राफी करते हैं वो कुछ और है, अगर हम क्लासिक प्रैक्टिस करते हैं कैलीग्राफी की वो उसके लिए फिर टाइम चाहिए होता है, रियाजत। इसमें सिंपल ये है कि ग्राफ पेपर हमने मार्क
यहाँ पे स्पेस एक रह गई, यहाँ पे दो बॉक्सेस रह गए, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। फिर हे, यहाँ पे हे, फिर हे को दोबारा रिपीट करेंगे सेम बॉक्सेस में। ये तीन बॉक्सेस ऊपर और तीन बॉक्सेस नीचे फिल करने हैं। इस मीम को ज़रा हमने बड़ा कर दिए, ज़्यादा दो बॉक्सेस एक्सटेंड कर दिए इसमें। कुछ ही उसको ड्रा करना है, इसमें अपना नाम हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी कैलीग्राफी कर सकते हैं। कुरान पाक की कोई आयत आयत हो सकती है जिसको हम सिलेक्ट करके ड्रा कर सकते हैं।